क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करने जा रहा है। क्वेश्चन में बोला ये जा रहा है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। ए और बी किसी एक काम को 6 दिन में पूरा करता है, जबकि बी एंड सी डू इट इन 10 डेज। जबकि यही काम को बी और सी मिल करके 10 दिन में करता है। एंड सी के बारे में बोला जा रहा है, एंड सी एंड ए डू इट इन 15 डेज। इसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। तो पूछा हमें ये जा रहा है क्वेश्चन में कि हाउ मेनी डेज विल ए बी एंड सी फिनिश इट वर्क किंग टुगेदर। तो ये सभी मिल करके कितने दिन में इस काम को पूरा करेंगे। तो बिना घबराए हुए क्वेश्चन को करते हैं हम लोग शुरू। बहुत ही आसान है इसका सॉल्यूशन। चलिए हम पूरे लैंग्वेज के साथ बनाते हैं। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। सो हम बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय ए एंड बी इन 1 डे। तो 1 डे में आप लोग को पता ही है एक दिन में कितना कर पाएगा। 6 दिन लग रहा है पूरे काम को करने में, तो एक दिन में 1/6 पार्ट ही करेगा काम। तब ना 6 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कंप्लीट कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लिखेंगे बी एंड सी कैन डू, आप वही कहानी लिखिएगा, इन कितना डेज। तो देख सकते हो क्वेश्चन में है 10 डेज, क्वेश्चन में है 10 डेज। सो हम बोल पाएंगे वर्क डन, यही कहानी एक जगह पर। अब क्या लिखेंगे, बी एंड सी इन 1 डे इज इक्वल टू 1/10। इंक बचा रहे हैं, समय बचा रहे हैं। नेक्स्ट सी एंड ए, सी एंड ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। सो क्या बोलेंगे, सी एंड ए के बारे में हो गया है। अब लिखेंगे वर्क डन बाय सी एंड ए इन 1 डे, एक दिन में कितना करेगा, सॉरी 1 डे इज इक्वल टू 1/15 पार्ट ऑफ वर्क करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो बोला जा रहा है इसमें सभी मिल करके, तो यानी ए बी और सी सब मिल करके, यानी सबको ऐड करना पड़ेगा। तो लिख देंगे टोटल वर्क डन बाय ए कॉमा बी एंड सी, यानी कि ए प्लस बी, और देखिएगा ध्यान से एंड का मतलब होता है प्लस बी और सी मिल करके, और सी और ए मिल करके। तो ए और बी मिल करके क्या कर रहा था, 1/6। जबकि बी और सी मिल करके क्या कर रहा है, 1/10। जबकि सी और ए मिल करके क्या कर रहा था, 1/5 कर रहा था। ये नीचे वाला डे को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊपर वाले काम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एलसीएम क्या देगा इसका, तो आप जब एलसीएम लोगे आएगा 36 के टेबल में 5 टाइम्स, 10 के टेबल में 3 टाइम्स और 15 के टेबल में 2 टाइम्स। और ऐसा करने के बाद हमें क्या आ जाता है, 10/30, 0 से 0 हो जाता है कैंसिल। यहाँ से देखिएगा ए ए 2a, बी बी 2b और सी मिल करके बन गया 2c। यहाँ से हम 2 कॉमन लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। जब कभी भी बीच में इक्वल आए तो उसके सामने दिस इम्प्लाइज इक्वलिटी का साइन आता है, तो दिस इम्प्लाइज पड़ता है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज ए प्लस बी प्लस सी, ये सभी एक साथ मिल करके कितना दिन लगाएगा, 2 मल्टीप्लाई का, यहाँ आएगा 3 मल्टीप्लाई का 2, यानी 1/6। नीचे वाला डे को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊपर वाले काम को, एक काम को 6 दिन में कर लेगा ये सभी मिल करके। तो हम बोल सकते हैं हेंस टाइम टेकन बाय
ए प्लस बी प्लस सी टू कंप्लीट ए यूनिट ऑफ वर्क, ए यूनिट ऑफ वर्क इज इक्वल टू 6 days. ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग इसका बी जो देखेंगे, आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर बी में क्या बोला जा रहा है. क्वेश्चन नंबर बी में बोला जा रहा है इन हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी फिनिश देयर वर्क अलोन, मतलब अकेला पूछा जा रहा है. हम थोड़ा यहाँ कॉन्सेप्ट समझाते हैं. ए प्लस बी और प्लस सी इज इक्वल टू, हमें पता है कि 6 दिन में काम को कर लेता है. तो यहाँ से अगर हम लोग वो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ए कितना दिन में करेगा, यानी बी और सी को माइनस करना पड़ेगा. और बोलेगा कि बी कितना दिन में करेगा, तो बी को छोड़कर ए और सी को माइनस करना पड़ेगा. सीधा सा कॉन्सेप्ट है. तो निकालते हैं, बड़ा आसानी से निकल जाएगा. तो लिख दे वर्क डन बाय ए अलोन, अलोन मतलब अकेला, इन 1 days इज इक्वल टू टोटल वर्क डन माइनस वर्क डन बाय बी एंड सी को माइनस कर देते हैं. तो टोटल वर्क डन क्या आया था अपना, 1/6 आया था, जबकि बी और सी का वर्क डन क्या था, बी और सी का वर्क डन 1/10 था. तो एलसीएम लेने पे क्या आ जाता है, एलसीएम इसका 10 और 6 का एलसीएम 30 आ जाता है. 6 के टेबल में 5 times, 10 के टेबल में आता है 3 times, यानी कि 2/ क्या आ जाएगा, 30 कैंसिल होके 1/15, यानी कि 15 days हो जाएगा. तो बोल सकते हैं ए अकेला कितना दिन में कर देगा. तो लिख देते हैं वर्क डन बाय, वर्क डन बाय ए, ए इज इक्वल टू 15 days. ठीक है, जबकि क्वेश्चन में एक और चीज़ बोला जा रहा है, देख सकते हो कि बी कितने दिन में करेगा. तो आप सेम लैंग्वेज का इस्तेमाल यहाँ तक कीजिएगा, ए के जगह आप क्या लिखिएगा, बी लिखिएगा. और यहाँ टोटल वर्क तो होगा ही, जो कि 1/6 है, माइनस वर्क डन बाय बी एंड सी के जगह पर माइनस होगा वर्क डन बाय, हमें निकालना बी का था, तो वर्क डन बाय ए एंड सी माइनस हो जाएगा. क्लियर है. तो 1/6 माइनस ए और सी मिल करके 1/15 है. तो यहाँ पर लिख देते हैं 1/15. एलसीएम क्या हो जाता है, 6 और 15 का एलसीएम क्या आ जाएगा, तो 30 आएगा. 30, 6 के टेबल में 5 times और 15 के टेबल में 30 2 times, यानी यहाँ से आ जाता है कितना, आप देख ही सकते हो 3/30, 1/10, यानी कि 10 दिन में कंप्लीट कर देगा. तो यहाँ पर ये बात आप लोग लिख दोगे कि वर्क डन बाय वी इज इक्वल टू 10 days. क्लियर है.